नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। राजस्थान के झुंझुनू की बेटी भाग्यश्री सैनी कहती हैं कि इस युग में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस उसे करने के जज्बा और उत्साह होना चाहिए। कार्य की शुरुआत के लिए ना उम्र बाधा बनती है और ना ही हालात। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं। ऐसे एक जज्बे को लेकर 2020 से बेटियों को भाग्य को संवारने में लगी हुई है समाज सेविका, वुमन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भाग्यश्री सैनी। आपको बता दें कि भाग्यश्री सैनी अभी तक हजारों ड्रॉप आउट बेटियों का भाग्य बदल चुकी हैं। समाज में बहुत सी बेटियां अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में स्कूल छोड़ देती हैं, परंतु अब ऐसी बेटियों को सुरक्षित करने में भाग्यश्री सैनी एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रही हैं। भाग्यश्री सैनी राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान चला रही हैं, जिसके अंतर्गत वे राजस्थान प्रदेश की ड्रॉप आउट बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही हैं। वो अभी तक करीब 2200 आदिवासी मुस्लिम और अन्य बेटियों को इस अभियान से लाभान्वित कर चुकी हैं। बेटी को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में ऐसी महिला जुड़ी है जिन्होंने कई बेटियों का भाग्य सवारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाग्यश्री सैनी, जो की एक समाज सेविका है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे घर की लक्ष्मी बेटी और साधना न्यूज में। थैंक यू सो मच पूजा। बिल्कुल, हम प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, छोटी सी जीवनी आपके बारे में आप हमें बताएं। मैं विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मैं अभी ड्रॉप आउट्स बेटियों के लिए काम कर रही हूँ राजस्थान में। एंड उसके साथ आई एम अ ब्लॉगर, आई एम राइटिंग फॉर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स और मैं सोशल इश्यूज एक्सपर्ट भी हूँ नेशनल मीडिया पे। दैट्स इट। जी बिल्कुल, देखिए आप ड्रॉप आउट बेटियों के लिए काम करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, उनको लिखाती हैं, तो कैसे क्या होता है इस ड्रॉप आउट में, कैसे कौन सी बच्चियां आती हैं और कब कौन सी क्लास को वो छोड़ करके आपके पास आती है या फिर कैसे आप उनके पास जाते हैं? जी पूजा, हमने 2 साल पहले मेरा स्टैनफोर्ड का असाइनमेंट था, उस दौरान मैं पहली बार इन बच्चियों से मिली थी, 2020 में मैं बोल सकती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मुझे ये लगा था कि जब मैंने इनकी परिस्थितियाँ जानी थी, मैं स्पेशली जयपुर का जो हमारा सेंटर है लंकापुरी, थोड़ा सा स्लम एरिया है, तो वहाँ पे मैंने पहली बार इन बच्चियों का इंटरव्यू किया था। पहली बार मैंने जाना था कि भाई इनकी क्या रीज़न थे कि इन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया है। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, डेफिनेटली इनके लिए हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत स्ट्रांग टूल है किसी के भी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो तब मैंने राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की शुरुआत की थी। अनसंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया था कि वो सितारे जो छुपे हुए हैं। तो पहली बार मैंने 146 बच्चियों का अडॉप्ट किया था कि मुझे उनको डेली बेसिस पे पढ़ाना है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं सारे सेंटर्स को विजिट कर पाती एक साथ, तो मैं ऑनलाइन उनको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो हम लोग जब मैं उनको पढ़ाती थी तो नॉर्मल हम लोगों की बातचीत भी होती थी, घर में क्या है, कौन है, कैसा है, तो मुझे फर्स्ट टाइम में इनकी सारी परिस्थितियां पता चली। तो मेरे जो जयपुर सेंटर की बच्ची हैं वो सब चूड़े बनाती हैं, तो जब मुझे ये पता चला कि ये 4-4, 5-5 घंटे भट्टी के आगे बैठती हैं, चूड़े बनाती हैं, देन दे आर गोइंग टू सेंटर। तो वो अनसंग स्टार्स, वो सितारे जो छुपे हुए हैं और जिनको सामने आना चाहिए। तो मैंने जब इस अभियान को शुरू किया था तो राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान के नाम से हमने इस अभियान को शुरू किया था और अब तक 2200 ड्रॉप आउट्स बेटियों को हम लोग राजस्थान के 6 जिलों से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारे 3 आदिवासी जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और 3 अन्य हैं, जयपुर, जालौर और अजमेर। बिल्कुल भाग्यश्री जी, जैसा कि आपने बताया कि आप 2200 बेटियों को पढ़ा चुकी हैं और वो आगे भी बढ़ चुकी हैं, बिल्कुल देखिए। लेकिन भाग्यश्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सुझाव आपको कैसे आया, क्योंकि देखिए मोस्टली हम देखते हैं कि अपनी लड़कियां फील्ड में मतलब कि हर तरह से आगे बढ़ने की सोचती है, कोई अपना कहाँ करियर चूज करती है, लेकिन आपने उन बेटियों के बारे में कैसे सोचा, कहाँ से ये सुझाव आया और इतना अच्छा सराहनीय काम आपने कैसे सोचा? देखिए, मैं जिस जहाँ पे मैं पली हूँ या बड़ी हुई हूँ और जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, तो मैंने बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ में देखे हैं, लड़का और लड़की में बहुत भेदभाव। एंड स्पेशली मेरे जितने भी कजन सिस्टर्स हैं वो उतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, और उसका क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे हुआ है वो भी मैंने बहुत अच्छे से देखा है। तो मेरा ग्रेजुएशन 17.5 में हो गया था एंड मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ, तो उस दौरान वो जो डिस्क्रिमिनेशन था वो मुझे हमेशा हिट करता था कि नहीं, लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जो आपने अपनी लाइफ में देखा है आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो वो एक फैक्टर मेरे जीवन में हमेशा रहा है कि ये मेरे बोल सकते कि हार्ट के बहुत क्लोज है बच्चियां,
तो मुझे इनके लिए करना था, और जब मैं पहली बार जब इनसे मिली थी तो उस चीज ने मुझे हिट किया था। एंड एक पंच लाइन जब मैं इनसे मिली थी, एंड वी वर जनरल हमारी जब बातचीत हो रही थी, तो वो बच्चियां जो मुझे बोलती थी कि मैम हमें क्या करना है पढ़ के, हम क्या कर लेंगे 10th करके, तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा हिट की थी कि नहीं इनके लिए करना है और डेफिनेटली इनके लिए करना है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा सोचा कि इन बेटियों के लिए या इन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसा जो सोचते हैं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे समाज में बेटों को तवज्जो दिया जाता है और बेटियों को नहीं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि बेटी सिर्फ पराए घर जाएगी तो वो सिर्फ खाना बनाने तक ही सीमित रहेगी या बच्चा देने तक ही सीमित रहेगी? ऐसा क्यों होता है? सब आज भी, हालांकि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन फील्ड ऐसी महिलाएं हैं और ऐसी बच्चियां हैं जो आज भी पिछड़ी हुई है। देखिए हमारी जो सोसाइटी का सेटअप है ना, उसमें जो पेट्रियार्की है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि महिलाएं या जो बेटियां हैं वो दोयम दर्जे पे हैं। एंड और भी बहुत सारी चीजें जो सोच है वो काम करती हैं कि लड़कियों को क्या करना है, दूसरे घर जाना है, घर संभालना है, और अगर पेरेंट्स के पास रिसोर्स हैं तो वो हमेशा सोचते हैं कि बेटा है वो घर का आधार है, उसी को पूरा घर संभालना है, बेटियों पे वो रिसोर्स खर्च करने की क्या जरूरत है। और अगर इन ड्रॉपआउट्स बेटियों को देखेंगे तो इनके साथ पेट्रियार्की इज नॉट द ओनली रीजन, इनके साथ तो बहुत सारे रीजन होते हैं। स्कूल बहुत दूर है, पेरेंट्स सिक्योर नहीं फील करते हैं कि बेटियों को हमें इतनी दूर पढ़ने भेजना है, घर में वो पढ़ाई का माहौल नहीं है। बच्चियों को कभी भी हम लोग जब पेरेंट्स बच्चियों को रेज करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चियों की शादी करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है हम लोगों के लिए, तो उन लोगों को नहीं लगता कि कभी उस चीज को हमें इंपॉर्टेंस देनी है। और भी बहुत सारे रीजन है इस चीज के लिए, लेकिन अभी जब से वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं चीजें बहुत चेंज हुई है, और लड़कियां अभी बच्चियां पढ़ रही हैं, पेरेंट्स अपनी बच्चियों पे भरोसा कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्रॉपआउट्स बेटियां अपने एजुकेशन को छोड़ रही हैं और वापस अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके वापस ले रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि चीजें डेफिनेटली अभी बदल रही हैं। बिल्कुल, देखिए ड्रॉप आउट बेटियों की, अगर लड़कियों की बात करें तो वो आपको लेकर बहुत ज्यादा खुश होती होगी कि हमारे लिए एक भगवान उतर कर आया है, क्योंकि उनके अंदर एक मोटिवेट लाना, उनको प्रेरित करना, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, ये सब एक आम बात नहीं है भाग्यश्री जी, तो कैसे कर लेते हैं आप ये सब? देखिए बहुत टफ होता है, क्योंकि दो लड़ाइयां आपको डेली बेसिस पे लड़नी होती हैं। एक तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि इन बच्चियों को मोटिवेट करना, एक्चुअली आप इनको सेंटर्स तक ले आते हैं, सेंटर में आप इनको कितना भी बड़ा लेक्चर दे दें, कितना भी समझा दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये अपने घर वापस जाती हैं, उसी माहौल में जहाँ पे इनको तवज्जो नहीं दी जाती, उसी माहौल में जहाँ पे इनके एजुकेशन को कभी काउंट नहीं किया जाता। तो ये बहुत टफ होता है कि जब आप सालों बाद में किसी को बाहर निकालते हैं और सालों बाद में किसी को आप ये रियलाइज करवाते हैं कि आप भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, तो ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है कि उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ता है, उनको एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, टाइम टाइम पे इनके सेशन हम लोग करवाते रहते हैं कि भाई नहीं आपको क्यों पढ़ना चाहिए, और जो बेटियां इनकी तरह जो ड्रॉपआउट्स बच्चियां थी जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उनका भी एग्जाम्पल इन लोगों के लिए रहता है। इसके अलावा हम लोग जो हर साल इनके लिए जो बच्चियां टॉप करती हैं पूरे 6 जिलों में, उनके लिए हम लोग राजस्थान अनसंग स्टार्स अवार्ड और राजस्थान अनसंग स्टार्स स्कॉलरशिप रखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब से हम लोगों ने ये चीज रखी है और मैं सेंटर विजिट करती हूँ, तो उन बच्चियों के ये है कि इस बार हमें टॉप करना है और वो प्राइज हमें लेना है। एंड सेकेंड थिंग, जब ये चीज हम लोगों ने की है तो उनके पेरेंट्स को भी यकीन हुआ है कि हाँ हमारी बेटियां भी कुछ कर सकती हैं और हमारी बेटियों ने जीता है, बेशक वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये तो है कि अभी पेरेंट्स अपनी बेटियों को भेज पा रहे हैं, लेकिन उस कॉस्ट पे कि उनको ये प्रूव करके दिखाना पड़ता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चियों को तो हालांकि हम मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि आप भी एक महिला है तो आराम से दूसरी बच्ची को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन चुनौती वाली बात तो उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करना होता है कि उनकी बेटी या उनके बच्चे, उनकी जो लड़कियां हैं वो कैसे आगे आ सकती है, उनमें हुनर, जो हुनर है वो कैसे अपना दर्शा सकती है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आगे आपने क्या सोचा है, आगे का क्या फ्यूचर है उन बच्चियों के लिए, ड्रॉप आउट बेटियों के लिए, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, क्या है आपके मन में आगे? देखिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी सारी बेटियां कोई डॉक्टर या आईएएस बने, वो उनका अपना ड्रीम है, वो खुद ही बोलती हैं कि हमें ये बनना है। आई फील कि एक महिला एम्पावर्ड तब होती है जब वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती है, और जब वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती है तो वो अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए डिसीजंस ले पाती है। तो मेरा हमेशा ये फोकस रहता है कि मेरी बेटियां सबसे पहले इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो,
उसके लिए बहुत सारी जो मेरी बेटियां हैं उन्होंने अपने दम पे ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, किसी ने ब्यूटिशियन का खोल रखा है, कुछ जो हमारे क्राफ्ट होते हैं वो बनाती हैं, कुछ चूड़े बनाती हैं, तो वो अपने एजुकेशन का भार अपने दम पे लेती हैं। तो ये सबसे खूबसूरत चीज मैंने देखी है। एंड मेरा अंतिम जो लक्ष्य है वो यही है कि ये अपनी एजुकेशन को लेती रहे, लेकिन साथ में ये अपने पैरों पे खड़े हों, अपना जो दायित्व है या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये खुद ले पाए। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ आज भाग्यश्री सैनी जी, जिनको हमने हमारे घर के लक्ष्मी बेटी कार्यक्रम में आपको दिखाया, और इन्होंने 6 जिलों की 2200 बेटियों का भविष्य सुधारा। जो बेटियां किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी उनको अपना भविष्य दिखाया और आगे बढ़ाया। इसी तरह आगे भी हम हर शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।